कैसे पता चलेगा जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजी याद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफर पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन और ये गर्मी, तो इस गर्मी में व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है। तो आज थोड़ा मौसम बारिश हुई है तो दोस्तों के साथ थोड़ा प्रोग्राम बनाया कि सून वैली चलते हैं, कनट्टी गार्डन जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और हमारे ये ग्रुप मेंबर हैं रफीला खान साहब हैं। खान साहब, एंजॉयमेंट होगी आज इंशाल्लाह? बहुत, थोड़ा जोर से बोलें, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होगी। तो इनको कहें कि हमारे साथ रहिएगा, वीडियो आखिर तक देखनी है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो आखिरी तक देखने। तो ये हमारे ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं, इनका नाम सुहेल है। ये भी सोहेल है और ये भी सोहेल है। प्लस वाली ये प्लस है और ये दूसरा प्लस है। ये शहजाद भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं और एक गाड़ी और है, वो उनका भी तारुफ करवाते हैं आपको। सफर शुरू करने से पहले दुआएं सफर जरूर पढ़ लेनी चाहिए, तो भाई सुना दें दुआ, हम भी आपके साथ पढ़ लेंगे। सुबहानल्लज़ी सखरलना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुकरनी लहू मुकरनी। कैदाबाद से सून वैली तकरीबन 100 किलोमीटर है और हमारे जो ड्राइवर हैं ये कह रहे हैं कि हम तकरीबन जो है ना एक घंटे में हम आपको पहुंचा देंगे। तो आज कुकिंग का भी सामान साथ है, खाने पीने का, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये सामान, ये रोटियां वगैरह हैं, ये क्या चीज़ है सुहेल भाई? इसमें हॉट पॉट है, रोटी आगे से लेनी है होटल से मेरे पास। अच्छा, तो आज हम बिरयानी बनाएंगे या बड़ा गोश्त बनाएंगे? बिरयानी नहीं, बड़ा गोश्त है। आज मौसम के हिसाब से बड़े गोश्त को पूरा हम बनाएंगे। चावल भी हैं और बड़ा गोश्त भी है, तो आज तो भाई पार्टी होगी, पार्टी। तो जब तक गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो सफ़र कैसे कंप्लीट होगा? तो अभी हम पहुंचे हैं बिजार, यहाँ से हम पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, फिर यहाँ से आगे सफ़र शुरू कर। तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं इस वक्त तक। मैं आपको थोड़े पंप के ऊपर गुलाब के फूल लगे हुए हैं, उनके थोड़े सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ। ऐसा है कि पहले हम जा रहे थे कनट्टी गार्डन, लेकिन दोस्त अभी पीछे आए तो वो बता रहे थे कनट्टी गार्डन बंद है, बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद है, सैर व तफरी वाले मकाम सारे बंद हैं। फिर अभी हमारा प्लान बन गया है कि अभी हम जा रहे हैं जनाब, यहाँ से आगे नीलाबाड़ जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो जगह भी बहुत खूबसूरत है। अभी हम पहुंच गए हैं पहल चौक, यहाँ से कितने किलोमीटर आगे? 12 किलोमीटर है नीलावाड़। नीलावाड़ थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं फिर आगे निकलते हैं।
अगर सफ़र में दो साथ हों और सफ़र फिर भी खामोशी के साथ तय किया जाए तो ये बात तो मुमकिन नहीं है। अभी मेरे दोस्त आप पीछे देख रहे थे कि अपना बचपन जो है ना याद करके झूले के ऊपर जो है ना झूला झूल रहे थे। तो चाय हमने पी ली है, चाय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत गजब की चाय थी। अगर आप लोग पहल चौक आए और इस होटल की चाय नहीं पी तो भाई आए क्यों थे फिर। का वेदर जो है ना किसी वक्त भी जो है ना ख़राब हो सकता है। अगर आप आएँ तो बारिश का फुल बंदोबस्त करके आएँ, नहीं तो आप भीग जाएंगे। फर्स्ट टाइम नीलावाण, तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग की है और भी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं नीलावाण देखने के लिए। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर है यहाँ से पैदल, तो 2.5 किलोमीटर देखते हैं हम कितनी देर में तय करते हैं। रफी भाई घंटे में पहुंच जाएंगे या आधे घंटे, क्या 2.5 किलोमीटर हम कितनी देर में जो है ना तय करेंगे ये बता। 20 मिनट में हम कमरे, दोस्त कह रहा है कि 20 मिनट में हम इंशाल्लाह 2.5 किलोमीटर तय कर लेंगे। तो लेट्स गो पैदल हाइकिंग शुरू करते हैं। अगर टूर में कुकिंग वगैरह का शेड्यूल है तो ये सब कुछ तो फिर करना पड़ता है ना साथ में। तो ये भी मेरे फ्रेंड हैं, ये भी मेरे टीम का हिस्सा हैं। तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नीलावाण या पहले? सेकंड टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी अच्छी जगह है इंशाल्लाह, सब लोग बड़े एंजॉय करेंगे, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। और ये कुदरती एक चश्मा है जी, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही मज़ा है। एक चीज़ आप मुश्किल से लेते हैं उसके बाद आपको उसका अहमियत होती है। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है, मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि एक दफ़ा विज़िट करें। लेकिन ये लॉकडाउन का ज़रा दिनों में आप ये परहेज़ करें, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है तो ये समर सीजन में आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। कहा था ना सोन वैली का वेदर किसी वक्त भी खराब हो सकता है। लो शुरू हो गई फिर से बारिश। तो जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही रास्ता खतरनाक नजर आ रहा है। पिछले आधे घंटे से लगातार ट्रेवलिंग कर रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पता तब चलेगा कि जब हम नीचे से ऊपर आएंगे। मेरे ख्याल में नारायण कागान सैर व सियाहत के जितने मकाम बंद किए हुए हैं ना, इतने टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ना, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अभी हम तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया है और पाँव लगाने की जगह नहीं है, इतने लोग जो है ना इस पॉइंट पर जो है ना इन्जॉय के लिए आए हुए हैं। घंटे की ट्रैकिंग के बाद मैं नीलावाण पहुंच गया हूं। ये आप मेरे पीछे देखें, इतना रश है कि पांव लगाने की जगह भी नहीं है। बड़े दूर दूर से सियाह आए हुए हैं। अगर स्विमिंग आती है तो कर लो भाई, आए जो हो तो कर ही लो। उस वक्त तो बहुत ही बेवकूफ़ी लग रही थी कि 4 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद हम सब सिर्फ यही करने आए हैं, लेकिन कसम से आज भी मैं उसी वक्त को सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। होने वाली है इससे पहले कि बारिश आए और हम सब फंस जाएं। खाना खाते हैं और निकलते हैं। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शायद वो वक्त है जो कभी हम इसे
लॉकडाउन में याद करें या फिर इसे मेमोरी समझकर अपने बुढ़ापे में जाकर सब दोस्त मिल बैठ के इसे मिस करें। मिस यू फ्रेंड। ब्यूटी ऑफ सून वैली, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, एंजॉयमेंट इन ड्रोन शॉट, नीला वाण। Oh.